दोपहर के आराम के बाद खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का दूसरा मरहला शुरू होता है, जिसके लिए सब एक बार फिर शाम 4 बजे नेशनल हॉकी स्टेडियम में जमा होते हैं। हल्की फुल्की वर्जिश के बाद लड़कों को दो ग्रुप्स में तकसीम करके प्रैक्टिस मैच खिलाया जाता है। ट्रेनिंग पर कड़ी नजर रखने के लिए टीम के मैनेजर आसिफ बाजवा भी लड़कों के साथ मौजूद होते हैं। शाम ढली और सूरज की किरणें स्टेडियम का साथ छोड़ गईं और ग्राउंड फ्लड लाइट्स की झिरमटों में घिर जाता है। ऐसे में एक तरफ तो हु का आलम, जबकि दूसरी जानब कभी फाउल, कभी प्लांटी कॉर्नर और कभी गोल होने पर रेफरी की सीटी सन्नाटे को तोड़ती है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान, बहुत ही सीनियर प्लेयर ज़ीशान अशरफ, जिनको सब प्यार से शानी भाई भी कहते हैं, और इन्हीं के कंधों पर ये भारी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान हॉकी टीम को ये आगे लेके जाएं। ज़ीशान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान, बहुत से उरूज व ज़वाल आपने हॉकी में देखे, 300 से ज़्यादा मैचेस आप खेल चुके हैं, और आप ही की कप्तानी में हमें ओलंपिक्स में 8वीं पोजीशन पे आना पड़ा, लेकिन अब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हॉकी टीम में दिखाई दे रही है, कैसे रिकैप करेंगे ये गुज़िश्ता एक साल को आप? जी देखें, जो मौजूदा हॉकी फेडरेशन है, मेन इसका काफ़ी किरदार है। एक तो सीनियर प्लेयर को वापस बुलाया गया, उसके आने से जो है टीम में काफ़ी फ़र्क पड़ा, और ओलंपिक में जो हमारी कारकर्दगी थी उसमें आप देखें कि सीनियर प्लेयर इतने नहीं थे हमारे साथ टीम में, जूनियर ज़्यादा थे जो अनएक्सपीरियंस प्लेयर थे, और इस वजह से वहाँ कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही हमारी। उसके बाद देखें, अजलान शाह आया, दूसरे इवेंट्स आए, सीनियर प्लेयर को, सुहेल अब्बास को, वसीम को, इनको सबको वापस बुलाया, तो उसके बाद डे टू डे इंप्रूवमेंट भी हो रही है, और जो मैनेजमेंट है और जो कोचिंग हमारी है वो मॉडर्न हॉकी के मुताबिक, जो आजकल की हॉकी है उसके मुताबिक जो है ट्रेनिंग हो रही है हमारी, और इससे देखें काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है टीम में इस चीज़ का। चंद भाई, बात आपकी बिल्कुल बजाय है कि जब सीनियर खिलाड़ी आया तो टीम में एक मोमेंटम आया, लेकिन आपने समझ लिया कि यही वो खिलाड़ी है जो 2004 में हमें छोड़ गए थे, और आज 2009 है, हम आज भी इन पर डिपेंडेंट हैं, 5 साल में हमने कोई तरक्की नहीं की? जी देखें, वो तो बात आपकी ठीक है कि 2004 में भी ये थे, बल्कि और भी सीनियर प्लेयर थे, कोई इतनी हमें वो फतवात नहीं मिल सकी। देखें, कोचिंग पे भी डिपेंड करता है इस चीज़ का, फिर बार बार की चेंजिंग उस पर भी काफ़ी जो है प्लेयर्स को फ़र्क पड़ता है इसके को, और मेरा ख्याल है कि जो अभी मौजूदा फेडरेशन है इसकी वजह से जो सेटअप बन रहा है टीम का, और तमाम लड़के एक दूसरे को ले कर और कॉन्फिडेंटली चल रहे हैं, काफ़ी उससे इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है, और मेरा ख्याल आइंदा आने वाले वक्तों में अब सीनियर प्लेयर ज़्यादा कितना अर्से खेलेंगे, मतलब थोड़ा अर्से ज़्यादा अर्से तो खेल नहीं सकेंगे, इनकी जगह जब तक नए प्लेयर नहीं आएंगे, अच्छा बैकअप पीछे से नहीं आएगा, तो ज़्यादा फेडरेशन की मजबूरी है ज़्यादा इनको खिलाएंगे, तो हमारी भी कोशिश है जब तक हम फिट है पाकिस्तान के लिए खेलें, ताकि पाकिस्तान को इतने अर्से में कोई बिग विक्ट्री नहीं हम देख सके, हमारी कोशिश यही है कि जाते जाते ही कोई एक हल्का सा धक्का ही दे जाए जिससे पाकिस्तान की हॉकी जो है वो इम्प्रूव कर जाए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की फॉरवर्ड लाइन की जान और मायनाज फॉरवर्ड शकील अब्बासी। शकील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। शकील, काफ़ी ज़िम्मेदारी होती है हर बार फॉरवर्ड लाइन पे कि वो फॉरवर्ड्स को पेनिट्रेट करे, और अब जबकि टेक्नोलॉजीज इतनी नई आ गई हैं कि आप लोगों के हर मूव को मॉनिटर किया जाता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता जा रहा परफॉर्म करना? ज़ाहिर है डिफ़िकल्ट तो होता है, हर बंदा मूवी देखता है कि इस बंदे में क्या खूबी और क्या खामी है, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ स्किल को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, जो एक नेचुरल इंसान की स्किल है हमारी, खास तौर पे पाकिस्तानी फॉरवर्ड्स की, विद स्पीड, एक तो होती है वो स्लो स्किल है यूरोपियंस के पास, लेकिन हमारे पास विद स्पीड है, तो मैं समझता हूँ उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमारा स्पीड माशाल्लाह इतनी अच्छी होती है हमारे फॉरवर्ड्स की कि वो कहीं ना कहीं से उन्हें डाज दे के निकल जाते हैं, और अब तो माशाल्लाह फॉरवर्ड्स में अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है। जी शकील, गुज़िश्ता 4-5 साल से ये बड़ा कन्फ्यूजन रहा है कि कभी हमने कहा कि हम यूरोपियन स्टाइल अपना लेंगे, अपने जो एशियन स्टाइल है उसको कभी हमने पीछे रख दिया, कुछ इस वक्त व्यूवर्स को बताइए कि हम लोग किस कॉम्बिनेशन से हमारे फॉरवर्ड्स खेल रहे हैं इस वक्त? देखिए, एक नेचुरल चीज़ है वो हमारी एशियन, वो तो हमें नेचुरली है, वो हम बदल नहीं सकते, अगर बदलना चाहे भी तो बदल नहीं सकते, ये कि यूरोपियन टेक्निक बहुत अच्छी होती है, खास तौर पे मैं कहूँगा डिफेंडिंग, वो यूज़ कर रहे हैं हम अभी, हमारी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो रही है उसी पे फोकस हो रहा है, लेकिन ये है कि हम एशियन स्टाइल भूल नहीं सकते या हम उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एशियन स्टाइल ही मैं समझता हूँ असल हॉकी है। जी शकील, काफ़ी नए लड़के आ गए हैं, बेंच स्ट्रेंथ जो है हमारी वो बढ़ती जा रही है, आपको भी अब थोड़ा सा चैलेंज फील हो रहा है कि अगर परफॉर्मेंस
नहीं रही तो क्या पता नए लड़के मुझे आउट कर दें। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है परफॉर्मेंस। मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान को अच्छे से अच्छा लड़का मिले जो मेरे साथ भी खेले, अगर मेरे बाद भी पाकिस्तान के लिए खेलता रहे, क्योंकि हम एक मुल्क के लिए खेल रहे हैं। एक हमारा एक एम है कि हम अपने मुल्क का नाम रोशन करें, मैं हूँ या ना रहूँ हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अच्छे लड़के मिले, मेरे साथ खेले और मैं उनके साथ खेलूँ और पाकिस्तान को मेरे होते हुए वर्ल्ड कप, ओलंपिक, चैम्पियंस ट्रॉफी, इस तरह के इवेंट मिले। वसीम, आपने यूरोपियन क्लब्स में भी खेला, इतने ज़्यादा आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, आपकी टीम में मेजॉरिटी लड़के बहुत यंग आ रहे हैं, तो इतने यंग लड़कों के साथ खेलते हुए कैसा एक्सपीरियंस फील होता है? और कहीं आप बड़े भाई और गुस्से वाले भाई का रोल तो प्ले नहीं करते, या इनको कुछ सिखाते वगैरह भी हैं? नहीं नहीं, गुस्से वाले भाई का किरदार तो नहीं, लेकिन ये कि बहुत अच्छे लड़के हैं सारे जूनियर, और स्पेशली जब भी स्पेशली मैं अगर उन्हें कोई इंस्ट्रक्ट करता हूँ ग्राउंड में, और अभी क्योंकि सेंटर हाफ खेल रहा हूँ जो कि मेन डिफेंस को भी कंट्रोल करना और फॉरवर्ड लाइन को भी एक सारा कंट्रोल करना कि कैसे प्रेस करना है, हमने रुकना है, क्या करना है, तो हर बंदा बड़ी बात सुनता है और जैसे मैं कहता हूँ उसको यानी पूरी करने की कोशिश करता है। सारे लड़कों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। वसीम बताइए, कहते हैं कि अब इंटरनेशनल हॉकी काफ़ी साइंटिफिक हो गई है, आप इतना खेल के आ रहे हैं, तजुर्बा लेके आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान हॉकी भी साइंटिफिक हो गई है? साइंटिफिक डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, और स्पेशली इस बारे में क्योंकि फिटनेस बहुत ज़्यादा अहम हो गई है, स्पेशली आपको बड़े अच्छे फिजियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, और फिर कोच भी के पीएचएफ के, इस बारे में मैं डेफिनेटली क्रेडिट दूंगा पीएचएफ को कि एक तो हॉलैंड का फिजियोलॉजिस्ट था जो ड्यूरिंग टूर्नामेंट हमारे साथ रहा एशिया कप में भी, और अभी जो क्वालिफिकेशन राउंड था उसमें भी, और अभी जो डायरेक्टर ऑफ अकेडमीज़ ये इन्होंने हायर किया है ये भी कोच के साथ असिस्ट कर रहा है, तो इससे ये कि हमारा जो टीम एनालाइज, किसी टीम को एनालाइज करना फिर उसके मुताबिक प्लानिंग करना, तो उसमें हमें पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आ रही है उसमें। दिन की रोशनी में शुरू होने वाली प्रैक्टिस नाइट सेशन के बाद ख़त्म होती है, खिलाड़ी अपना अपना रक्त सफ़र कंधे पर उठाए होटल की राह लेते हैं।